आज हम बात करते हैं वेद पर। हमारे वेद जो कहे जाते हैं कि सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही बोले गए हैं, पर हमारे में से कितने प्रतिशत हिंदू, आप में से जितने भी लोग हैं, उनके कितने घर में वेद है? आप अपने आप को गर्व से कहते हैं हिंदू हैं हम, बार बार बाहर निकलते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। आपको देखिए तब हक है बोलने का जब आप सही हो। आप हिंदू हैं, आप बोलते हैं, पर कैसे हैं हिंदू? क्या आपके घर में वेद है? आप अपने घर में वेद रखते हैं? आप दूसरों को बोलते हैं, पहले अपनी गृहवान में झांक के देखिए। रामायण, महाभारत, बहुत सारे ग्रंथ है, ये कब आए हैं, किस समय आए हैं? आपको अपने हिंदुत्व का ज्ञान है? आपको अपने भारत का ज्ञान है? अरे मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिताजी के बाबा का नाम क्या था, आपको मालूम है? नहीं मालूम। आपको राम का नाम मालूम है? राम का नाम आपने याद कर लिया? अरे यार शर्म करो, अपने बाबा के बाबा का नाम तुम्हें याद नहीं है और राम का नाम तुम याद रखते हो। बहुत जरूरी है राम का नाम याद करना, ईश्वर का नाम याद करना, ब्रह्मा को याद करो, विष्णु को याद करो, पर सबसे पहले अपने पूर्वज को तो याद कर लो, फिर तो राम को याद करोगे तुम। कौन है राम, कौन है रावण? उसके कर्मों के द्वारा आप पूज रहे हो उसे। राम ने ऐसे कर्म करे, कृष्ण ने ऐसे कर्म करे कि आप उन्हें पूज रहे हो? जैन समुदाय में, बौद्ध समुदाय में महावीर जैन आए, हम क्यों उन्हें ईश्वर स्वरूप मानते हैं? उन्हें कर्मों के द्वारा मानते हैं। रावण को श्रीलंका में क्यों मानते हैं? उसकी पॉजिटिविटी को देखा गया, सकारात्मकता को देखा गया। आज तुम रावण जलाओ, नेता आके जलाते हैं। अरे मूर्खो, जरा ये तो सोचो, रावण को नहीं जलाया जाता है, जलाया जाता है उसके कुकर्मों को, वो भी सुकर्म का ज्ञाता था, वो राम से कम नहीं था। राम रावण को जानते थे, रावण राम को जानते थे। ये तो हमारी आपकी मूर्खता क्या है, राम लक्ष्मण सीता और खत्म हो गई गीता, ये हमारा आपका ज्ञान है। और इस ज्ञान के पीछे हम दौड़ते जा रहे हैं, वो भागते जाओ। भगवान ने, ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है, बुद्धि क्यों दी है? ये बुद्धि जानवर को क्यों नहीं दी? ये बुद्धि पक्षियों को क्यों नहीं दी? ये बुद्धि सर्पों को क्यों नहीं दी? 64 करोड़ योनियां हैं, उनको क्यों नहीं दी, मनुष्य को क्यों दी? क्योंकि मनुष्य में वो क्षमता है कि ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले, जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो गौतम बुद्ध ने किया और जो आप भी कर सकते हैं। मुख्य क्या है? अपने लिए तो दुनिया भी करती है, दूसरों के लिए करने वाला ही मनुष्य का सही पर्यायवाची है। मनुष्य रावण भी था, कोई भगवान नहीं था, मनुष्य राम थे। जिसने कोख से जन्म लिया वो मनुष्य होता है, ये हमारे वेद कहते हैं। भगवान वो होता है जो स्वयंभू होता है, जो प्रकट होता है, अंतर ध्यान हो जाता है, वो होता है भगवान। कर्मों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा जो प्रकाशित होता है, वो होता है राम, वो होता है कृष्ण, वो होता है साई। आप भी पूजे जा सकते हो। चाणक्य को आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। राजा चंद्रगुप्त क्यों बना? चाणक्य बन सकता था ना, उसमें तो नॉलेज थी, पर वो जानता था कि मेरी किस्मत में राजा बनना नहीं है। इसी को कहते हैं विज्ञान, जो वेदों में है विज्ञान।
ज्ञान और विज्ञान दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। आज हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, विज्ञान चाहिए। अरे भैया ज्ञान ले लो तो विज्ञान तो अपने आप आ जाएगा तुम्हें। वेदों में विज्ञान छुपा है, जड़ी बूटी छुपी है, साइंस छुपी है, ज्योग्राफी छुपी है। आपको क्या चाहिए? हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, वेदों को जानो तो। जरा अपने पिताजी से एक बार बात करना, उनसे पूछना कि जो आपके पिताजी जो बाबा थे, क्या वेदों के विद्वान थे? वो कहेंगे विद्वान तो नहीं थे, लेकिन हाँ विद्वान वेद को बहुत अच्छे से जानते थे। मैं भी वेद को जानता था, मैंने भी वेद देखे। आज वो वेद कहाँ है? कहाँ है? अरे मुस्लिमों की बात करते हो मूर्खो, इन मुस्लिमों ने तुम्हारे वेद संभाले। मुगल काल इतने सालों रहा, सैकड़ों वर्ष रहा, कहाँ दफना दिए जाते? तुम्हारे दुश्मन है विदेशी, क्या तुम्हें यह ज्ञात है? जो अपने वेद निकले हैं, उस वेद में से आखिरी वेद कहां से प्राप्त हुआ? चाइना की दीवार से। जब बम विस्फोट में चाइना की दीवार गिरी, उसमें हमारा वेद वहां पे, उसमें एक अंग्रेज बता रहा है हमारे भारत के लिए, उसमें वेद निकल रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है कि हिंदुस्तान का ये था। अरे मूर्खो जरा समझो तो, चाइना की दीवार में तुम्हारे निकल रहे हैं ग्रंथ, एक अंग्रेज उसको परिभाषित कर रहा है हिंदी या संस्कृत में। पैदा यहां से हुआ, वहां पहुंचा और फिर वहीं से आ रहा है। समय रहते समझ जाओ वेद क्या है। एक ट्री होता है, पेड़ होता है। आपने देखा हो कि मेरा ये मोनो मैंने ट्री क्यों बनाया है? हमें सीड सबसे पहले बीज को तो समझो यार। तुम्हें अयोध्या चाहिए, तुम्हें राम चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, होना चाहिए, मैं गलत नहीं कहता हूं, पर उसके बीज को तो समझ लो, बेसिक तो समझो क्या है। वो राम आए कहां से? राम किस लिए आए थे? क्या करना चाहते थे? क्या रावण को मारने के लिए राम आ गए थे? यार कॉमन सेंस लगाओ। एक भगवान ने जन्म लिया और पूरा 14 साल वनवास भोगते रहे और रावण को मार के आ गए। यार ईश्वर ने इसके लिए जन्म लिया था? 14 साल इसके लिए वन में भटके, ये ईश्वर है? तुमसे कह दूं तुम 14 साल वनवास भटक लो, तुम्हें जेल में डाल दूं 1 साल को, बोलोगे? अरे भगवान को तुम, यार भगवान ने ऐसा काम नहीं करता है। ईश्वर के पास वो शक्तियां हैं कि ये काम करना, ये चीजें हैं, ये जादूगर के काम है, ठीक है? ये साइंटिस्ट के काम है, ये वैज्ञानिक लोग करते हैं, जादूगर करते हैं, ये ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर करता है चमत्कार, और ऐसा चमत्कार जो हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, जो मुर्दे में भी जान लग सकता है, वो होता है ईश्वर। वेद में क्या लिखा है? वेद की शुरुआत कहां से होती है? वेद की शुरुआत अग्नि से होती है, पंच तत्वों से होती है। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये किस लिए बनाए जाते हैं? क्या था इनका मुख्य उद्देश्य? ये ऊर्जा के केंद्र थे, एनर्जी सेंटर थे, जहां से एनर्जी मिले। इसका रीजन था बनाने का, साइंटिफिक रीजन रहता था कि उस जगह में वो ऊर्जा है। जाओ ज्वाला देवी में, ज्वाला देवी में क्यों ज्वाला आज भी जल रही है? पहले तुम्हारा लोग पहुंचे थे धर्म को मानने वाले कि यहां जलेगी, हम माचिस से लगा रहे हैं, अब ये जलेगी, अब हमारी ज्वाला देवी पैदा हुई। क्या ये सच्चाई है? यह सच्चाई है, पहले ज्वाला देवी थी, फिर वहां हम पहुंचे, वहां पहले से ऊर्जा थी। अरे ऊर्जा तुम खोजोगे यार? खोजने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहां से मिलेगा? वेद से मिलेगा, जो ईश्वर ने बोले हैं, जिसको खुदा बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, मुसलमान का आप देख लीजिए, पूरा ग्रंथ उठा लीजिए। जब ऋग्वेद हुआ था तब तक मुसलमान का कोई शब्द नहीं था, और मुसलमान ऋग्वेद का कोई विपक्ष नहीं करता,
ऋग्वेद के बाद जब जो दूसरा समय आया है यजुर्वेद का, यजुर्वेद के समय मुसलमानों को कुछ लोगों को उससे कुछ उसके जो थे गद्यात्मक उस समय जो श्लोक ऋग्वेद में कहे गए हैं वो ऋग्वेद में मंत्र है। और उसके बाद जब वो आए यजुर्वेद में तो गद्यात्मक है। अब गद्यात्मक मैं लिखूंगा ना क्या कि देखिए पहले मैं सच्चाई बताऊं कि एक ही था वेद। एक काल आया उस समय उसको विभक्त किया गया लोगों को समझाने के लिए। जैसे मैं भी मैं आपको वेद समझाऊं ना तो आपके यहां से निकल जाएगा, आप मेरे से कहोगे मूर्ख है ना। तो आपको बेसिक जो समझाना जरूरी है या बेसिक, मैं भी मैंने जिंदगी के आज 42 साल गवाए हैं तो मैं 12 साल से निकल गया था इस चीज के लिए, वेदों को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, खुदा को समझने के लिए मैं चर्च गया हूं। मैंने जाके, आप हिंदू की बात करते हो, कभी पहले जाके मुसलमान का जो भी बना हुआ है मंदिर है मस्जिद है जो भी है उसके अंदर जाके देखो वहां है क्या, तब तुम बोलने के हकदार हो। ओशो ने बोला, क्यों बोला, रजनीश क्यों इतना पूरे विश्व में फेमस हुआ, उसकी आवाज क्यों दबा दी गई, कारण क्या था, सच्चाई। सच्चाई आदमी को, क्योंकि किसी के पेट में लात पड़ती है सच्चाई बोलने से, किसी की दुकानें बंद हो जाती हैं सच्चाई बोलने से, यह सच्चाई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में वेदों को क्या सम्मान दिलाया, किसी को मतलब है? यह बीजेपी गवर्नमेंट ने आके एक भी बार वेदों के विषय में बोला? उन्होंने बोला अटल जी ने 2013 में क्या काम किया था? अरे बोलना चाहिए, हिंदुत्व तो बोलते हो, हिंदुत्व तो को बाद में गया, हिंदुत्व तो आया कहां से, धर्म आया कहां से, धर्म की स्थापना कहां से हुई, गीता से धर्म की स्थापना बोलते हो, वेद क्या बोलता है ये नहीं बोलते हो, वेदों में आओ, कहां से आया ब्राह्मण, कहां से आया क्षत्रिय, कहां से आया मुसलमान, कहां से ये फालतू की बात चालू हुई, कितने राजनीतिकों ने ये खेल करे, वेद में सब निहित है। अंग्रेजों ने खेल किया, अंग्रेजों ने आपका ज्ञान को क्या किया, उन्होंने एक चीज चाही सिर्फ कि अगर वेदों का ज्ञान अगर हिंदुस्तान के पास आ गया तो ये बन जाएगा राजा। आप अडवाणी के भाषण सुनिए, आप अटल जी के भाषण सुनिए, आप सुषमा स्वराज के भाषण सुनिए। अब मैं आता हूं कांग्रेस में, आप इंदिरा गांधी जी के भाषण सुनिए, सबने वेदों को आगे रखा है। वो जानते हैं, वो जानते थे वेद है तो हिंदुस्तान है, और वेद नहीं तो हिंदुस्तान की कोई अहमियत ही नहीं है। शर्म की बात है ये, जो हिंदू अपने आप को कहता है उसके तुम्हारे घर में अगर वेद नहीं है। चार वेद छह शास्त्र में लिखी है बातें दोए, दुख दीने दुख होत है सुख दीने सुख होए। अरे अपने माँ बाप को इतना तुम है ना जितना तुम नेताओं के आगे चरण पूछते हो, जितना आगे पीछे घूमते हो, इतने माँ बाप की सेवा कर ली होती ना, इतने परिवार की सेवा कर ली होती ना, वो नेता या यहाँ इस पद में पहुंचा उसने किया है कुछ, उसने समाज के लिए किया है, उसने परिवार के लिए किया है, इसलिए आज वो उस पद पर पहुंचा है, तुम उसकी कॉपी करते हो। अरे कॉपी करने के लिए ना राम की कॉपी करने वाले, रावण की कॉपी करने वाले 50 हो गए, क्या राम रावण बन पाए? आप कॉपी क्यों करना चाहते हो? आप अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बनाते हो? Who are you? आप कौन हो? अगर आप ऋग्वेद को उठाते हैं तो ऋग्वेद में ईश्वर खुदा अल्लाह क्रिसमस गोविंद साहब कोई भी नहीं आपको मिलेगा,
उसमें शक्तियां आपको काय की मिलेगी? अग्नि, वायु की। आपको मालूम है पुराने समय में लोग भस्म कर देते थे, कितनी बड़ी शक्ति थी भस्म। वो क्या थी? व्हाट इज इट? पावर। वो सत्यता थी, क्योंकि व्यक्ति में वो ताकत थी झूठ ना बोलना। सबसे बड़ी चीज, मैं आज आपको दो चीज दे रहा हूं, अगर आपने ये दो चीजें जिंदगी में रख ली, आपको कभी भी किसी भी चीज का सामना करने में कभी भी डर नहीं आएगा। बस दो चीज ध्यान रखें। एक चीज, जो आप कार्य कर रहे हैं, पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि आप सही हैं। अगर आप सही हैं तो भगवान ऑटोमेटिक सही है। वेद क्या बोलते हैं? वेद क्या कहते हैं? उसमें मंत्र आप प्राप्ति करिए ना मंत्रों के द्वारा। जो मदिरा का शब्द है, जो इंद्र को पसंद रहा है, शुरुआत सोरसो सबको पसंद। आज भी गवर्नमेंट कोविड के कारण, किसी भी कारण, वायरस के कारण कुछ भी चीज की रोक लगा रही है, इसको क्यों नहीं रोक लगा? कुछ कुछ बेसिक चीज होती है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, उस चीज को आप समझिए। इंसान का जो बॉडी मिली है, शरीर मिली है, ये कहते हैं कि बहुत किस्मत की बात है। बहुत क्या भाग किए आपने, किए आपके मम्मी पापा ने, किए आपके किस भाग से आप पैदा हुए मनुष्य में। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। उस महत्वपूर्ण के बाद है कि जो हमारे वेद बोलते थे, वेदों का अध्ययन सबसे ज्यादा, और उसके लिए बहुत सारे फिर छोटे छोटे रास्ते बता दिए गए कि अगर इफ यू आर अनेबल टू लिसन वेदास, इफ यू आर अनेबल टू रीड वेदास, देन यू कैन लिसन रीड रामायण, भगवद गीता, महाभारत एंड लॉट्स ऑफ।